हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के दूसरे पार्ट टू में, 13.23 कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है CAGR। पहले टॉपिक में हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके साथ में पांच सवाल किए थे। तो ये छोटा सा टॉपिक है सर, और इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 13.2 में, वो सवाल दिखेंगे। CAGR का मतलब समझते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मान लीजिए कि आपने वो इन्वेस्टमेंट करी 4 साल के लिए, ठीक, वो इन्वेस्टमेंट करी 4 ईयर के लिए। तो पहले ईयर के लिए मान लो जीरो टाइम पे उसकी वैल्यू 10,000 थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू गिर के 8,000 हो गई, दूसरे साल वैल्यू गिर के 6,000 हो गई, बट चौथे साल, तीसरे साल, मानो यहाँ पे तीसरे साल लिख देता हूँ, तीसरे साल में वैल्यू 12,000 हो गई और चौथे साल में उसकी वैल्यू 18,000 हो गई। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या बोलता है? वो कहता है सर, जो आपने स्पेसिफिक टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 4 साल। तो ड्यूरिंग द ईयर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या किसी भी साल में क्या गिरावट हो रही है या क्या बढ़ रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने स्पेसिफिक टर्म के लिए आपने किया है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे बात करो सर। मतलब 4 साल के लिए किया है तो 4 साल के बाद की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है 18,000। तो सर हमारा जो मोटिव रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पर है सर कि सर 4 साल बाद जो आपकी वैल्यू है उसमें आपके प्रेजेंट वैल्यू जो 10,000 रुपये थी उसमें कितना ग्रोथ हुआ कि एक स्पेसिफिक टर्म में इतनी वैल्यू हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे सर 10,000 की वैल्यू 2 साल बाद 20,000 हो रही, तो आप बोले सर डबल हो गया सर, या फिर मैं बोलूँ तो सर 10,000 की वैल्यू जो भी आपने बोला सर 12,000 हो रही, तो 20% बढ़ गया आपने बोला सर, तो 20% जो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 2 साल बाद हुआ। तो हमें मतलब सिर्फ ये है 2 साल बाद जो स्पेसिफिक टर्म है, अगर आप यहाँ ध्यान दो इसको पढ़ोगे तो टाइम पीरियडिक जो आपको दिया होगा, बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और हमें किससे डिवाइड करना है सर, हमें डिवाइड करना है 1/n, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर होगा सर। और सर इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है सर। तो एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइड पावर है उसकी 1/n-1। तो सर ये आपका जो आएगा वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आएगा, ठीक जी। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन पार्ट आते हैं जो 5-6 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, अगर आप देखो तो वो ईजिली रीडेबल है सर, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने वाला। तो बस इतना सा ही आपका टॉपिक है सर, छोटा सा, CAGR, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू माइनस वन। तो सर सवाल पे पहुंचते हैं, सवाल से पहले अगर आपको इसको उतारना है तो आप उतार सकते हो सर, इसे पॉज करिए और इसे पॉज करके उतारिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, तो प्लीज पॉज एंड स्टार्ट करते हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मिसेस वंदना इन्वेस्टेड 35,000 इन शेयर ऑफ अ कंपनी एंड री इन्वेस्टेड द अर्निंग एवरी ईयर इन बाइंग द शेयर। तो सर 35,000 रुपये का शेयर इन्वेस्ट किया मिसेस वंदना ने और उसको वापस इन्वेस्ट कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है हर साल शेयर खरीदने में सेम कंपनी में। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद द वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज टू 56,000। मतलब 35,000 बढ़कर कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्वेश्चन पढ़ते समझना पड़ेगा सर, क्या निकालना था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या CAGR, या साफ साफ बोला हुआ है आपको CAGR बताना है। तो सर इसलिए दो चीज़ चाहिए आपको, फ्यूचर वैल्यू 56,000 दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू 35,000 दे दिया, और नंबर ऑफ ईयर कितना है सर, 5 दे दिया। तो बस सर वैल्यू पुट करो सर, 56,000 अपॉन में 35,000 डिवाइडेड बाय 1/5-1। सर ये 56/35 है, 56/35 की पावर 1/5-1, सर ये कैंसिल हो रहा है 8 और 5,
तो ये आ जाएगा 1.6 की पावर 1/5 माइनस। अब सर पेपर में एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होगी, जैसे अभी आपने देखा ना 1 से 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी तरह इसकी क्वेश्चन गिवन होगी सर पेपर में। तो इसकी वैल्यू जो आएगी सर वो आएगी 1.098 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 0.098, डेट इज 9.8%। ठीक जी, पहला सवाल क्लियर है, बहुत सिंपल है सर, बस यही ढूंढना है आपको सवाल में। और आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 15,000 फंड एट द बिगनिंग, ठीक है सर, तो प्रेजेंट वैल्यू 5,000, फ्यूचर वैल्यू ढूंढने हैं सर अभी, ईयर 18, बाय एंड ऑफ द ईयर 18 इन्वेस्टमेंट 9,000 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश हो गया, ही लॉस 3,000 एंड एंड विद 6,000 बचा, 2019 में नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 में 6,000 बचा, नेक्स्ट ईयर 2020 में 4,500 का प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद 10,500 हुआ, तेरा फाइंड सी ए जी आर। ये बीच में इतनी बात बोली ना, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई मतलब नहीं है सर इन सब के बीच में। लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल में क्या बचा उसके पास, 10,500। ठीक, तो बस सर अब ईयर जोड़ो, बस टोटल ईयर जोड़ो सर, कितने ईयर हो गए आप बताओ सर, क्वेश्चन पढ़ो आप बताओ सर कितने ईयर हो गए सर, बताइए बताइए सर। 18 के शुरू में तो 1819, फिर 1920 बिगनिंग ऑफ 18, तो 18 एक हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर 19, और नेक्स्ट ईयर 20 में उसके पास वैल्यू 10,500 हुई, तो टोटल 3 साल। ठीक, बिगनिंग 18 ना, तो 18 19 और 20, जो 2020 के एंड बोला हुआ है, तो 3 साल हो गए, तो एंड की वैल्यू 3 आ गई, तो सी ए जी आर पूछा है उसने, बता दीजिए सर 10,500 / 5,000 1/3 - 1, तो 105 20 × 20 / 50 की पावर 1/3 - 1 कैंसिल हुआ 10, 21, तो 2.1 की पावर 1/3 - 1। अब 2.1 की पावर 1/3 पेपर में दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ सर, ये वैल्यू आई थी 1.280 - 1, तो सॉरी 2.0.280, तो ये आ जाएगा मेरे पास 28%। ठीक जी, आगे बढ़े सर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, भंडारी ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए, तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000, और ऐसा ऐसा कुछ उसको रिटर्न मिला, 12 से 13 पहला साल, 13 से 14 दूसरा, 14 से 15 तीसरा, और ऑन मार्च 31 मार्च 2016, मतलब 4 साल, एंडेड विद 18,000, तो इन सब का मतलब ही नहीं है, बोला था ना एट द एंड में क्या वैल्यू बचती है, तो फ्यूचर वैल्यू 18,000 और एंड कितना हुआ 4, तो सी ए जी आर 18,000 / 10,000 1/4 - 1, तो 1.8 × 1/4 की वैल्यू क्या होती है सर, ये आपको पेपर में फिर से मिलेगा, बता रहे हैं मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, पेपर में मिलेगा आपको, ठीक जी। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 8, पॉज करके उतारिए ना सर, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कुमार इन्वेस्टेड 20,000 इन ईयर 2014 फॉर 5 ईयर, इफ सी ए जी आर फॉर डेट इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी 11.84, सर इस बार सी ए जी आर उसने दे दिया, क्या पूछा उसने, एंड बैलेंस फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है सर, फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 और सी ए जी आर 11.84% दे दिया। चलिए सर कैलकुलेट करो फटाफट और बताइए सर हमें,
क्या होगा सर? फॉर्मूला लिखते हैं सर, सी ए जी आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू पावर 1/n-1। सी ए जी आर 11.84%। फ्यूचर वैल्यू पता ही नहीं है सर, प्रेजेंट वैल्यू पता है सर, 5 साल। यहाँ कर देते हैं सर, 11.84 है सर, तो अगर मैं इसको पॉइंट में लिखने दिया तो 0.1184। अच्छा, इस वन को हटाऊँ तो इधर आधे प्लस हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 20,000 की पावर 1/5। अच्छा, ये 1.1184 और ये इधर आएगा पावर, पावर 5 हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 20,000। अच्छा, पेपर में ये दिया होगा, ठीक है, चूँकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है अभी 12th तक, वरना कैलकुलेटर पे आप कर सकते थे, तो आपको पेपर में इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक जी। तो इसकी वैल्यू आपको 1.75 है कुछ, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 20,000। फ्यूचर वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, दोनों तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.75 × 20,000 डेट इज 35,000। तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई, 35,000। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं सर, मिस्टर नरेश हैज बॉट 200 शेयर, कंपनी 100 ईच, 2015 आफ्टर सेलिंग देम ही हैज रिसीव 30,000। सीएजीआर रेट दे दिया, नंबर ऑफ ईयर बताना है आपको, कितने साल के लिए, मतलब एन पूछ रहा है आपसे। फ्यूचर वैल्यू क्या है, 30,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर, प्रेजेंट वैल्यू बताओ बताओ बताओ, 200 शेयर 100 रुपये का 20,000, और सी ए जी आर क्या दे दिया उसने आपको, 22.47%। तो सी ए जी आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू 1/n-1। सी ए जी आर क्या हो जाएगा, 11.84%, फ्यूचर वैल्यू 30,000, 20,000, 1/n-1। हाँ जी, इसको पॉइंट में बदलूंगा, इस माइनस वन को इधर लाऊंगा, तो 1.1184 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आ जाएगा 3/2, तो मैं 1.5 लिख देता हूँ, 1.5 की पावर 1/n, ये 1/n इधर आया, तो 1.1184 की पावर n इक्वल टू 1.5। अच्छा, अगर मैं अब देखो सर, अब n की वैल्यू तो ऐसा बता नहीं सकता, मतलब 1.5 की कितनी पावर ले जाऊँ कि n पे पहुंच जाए, या 1.5 की पावर कितनी ले जाऊँ कि 1.1184 की पावर कहां तक ले जाऊँ कि 1.5 हो जाए, ऐसे बता ही नहीं सकता। तो अगर मैं log ले लूँ बोथ साइड, तो ये जो जाएगा n log, सर log आगे आ जाता है, आपको पता प्रॉपर्टी यही बोलती है सर, पावर फ्रंट में आ जाता है और log 1.5। तो पेपर में इन दोनों की वैल्यू देगा, परेशान बिल्कुल मत होना, पेपर में इन दोनों की वैल्यू आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि सर क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर आपको, ये श्योर है। बस मेरे से एक गलती ये हुई है कि यहाँ पे शायद मुझसे लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे 22.47 था और मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, ये मैंने 11.84 शायद पीछे वाला ही मैंने दोबारा ले लिया, तो ये गलत है। बस यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 22.47 है, 22.47%, तो मेरे पास यहाँ पे 1.2247 रहेगा, और नीचे मैं इससे हटा के ये आ जाएगा 1.2247, और यहाँ पे भी 1.2247, तो 1.2247 और log 1.5 के क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ पर किताब में आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा, पेपर में मिलेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0881 इक्वल टू log 1.5 की वैल्यू होती है 0.1761।
ठीक जी, तो एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.1761 अपॉन में 0.0881। पॉइंट के बाद डेसिमल बराबर है, पॉइंट हट गया सर, तो इस समय मैं कैंसिल करूँगा, तो ये 1.99 समथिंग आएगा, तो रफली ये 2 आ गया। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे मेरे पास, जो हमें पूछा था उसने, एन इक्वल टू 2 ईयर्स। देख लीजिए सर, ये था सर हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। ये आराम से देखिए सर, देखिए 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 देखिए, और ये था सर हमारा एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट क्लास में हम 13.3 देखेंगे। डेप्रिसिएशन का सिर्फ SLM मेथड है आप में, उसके अलावा 13.4 सिलेबस में नहीं है, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास करते हैं फटाफट। अभी के लिए ये सब चीज़ें देखिए, बहुत सिंपल है, रिविजन करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।